हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दास ऑटोमोटिव। दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ 2023 वाली रॉयल एनफील्ड की मीटियर 350cc का अरोरा ब्लू कलर। इस बाइक में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या नए अपडेट दिए हैं, साथ में बाइक की नए ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड कितनी तक जा सकती है, वो सब कुछ आज वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा वेरी स्पेशल थैंक्स टू हर्षित राय प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक। अगर आप लोग कोलकाता हावड़ा हुगली से हो तो डेफिनेटली शोरूम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का सारा डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बाइक में टोटल 4 से 5 बदलाव किए गए हैं। पहले इस अरोरा सीरीज के अंदर क्या क्या कलर देखने को मिल जाता है वो दिखा देता हूँ। ये जो कलर देख रहे हो इसका नाम है अरोरा ब्लू, और ये वाला जो कलर देख रहे हो इसका नाम है अरोरा ग्रीन। भाई, इस बाइक में ये कलर बहुत ही गजब लग रही है। एक्चुअली इस कलर को गौर से देखोगे तो ये लाइट ग्रीन कलर नजर आएगी, और साइड में यहाँ पर लाइट येलो कलर या फिर क्रीम कलर भी कह सकते हो, और बीच में रॉयल एनफील्ड का 3D एम्ब्लेम मिलता है। सेंटर पैनल के अंदर में भी आपको सेम कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और रियर मड गार्ड आपको पूरा का पूरा लाइट ग्रीन कलर के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी आप लोगों को यह कलर कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और इस कलर का अगर पूरा डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो तो भी बता देना। और इस अरोरा ब्लू कलर एंड अरोरा ग्रीन कलर दोनों का कीमत बिल्कुल सेम रहने वाली है। इसके अंदर और एक कलर भी आता है, अरोरा ब्लैक। वो मेरा फेवरेट कलर है। उसमें आपको ब्लैक एंड सिल्वर का बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी। पहले इसका चाबी देख लेते हैं। यहाँ पर वही क्लासिक की तरह वेब बाइट की मिल जाता है रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ। तो चलिए इसको ऑन करके इसका मेन जो बदलाव हुआ है वो देख लेते हैं। तो भाई, इसका पहला बदलाव की बात करें तो इसका हेडलाइट अब पूरा बदल चुका है। इसके अंदर अब आपको फुल्ली LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर में LED हेडलाइट दिया है, जिसके ऊपर में लो बीम और नीचे हाई बीम का सेटअप मिल जाता है, और सेंटर में सिल्वर कलर के अंदर लाइन मिल जाता है, और ठीक इसका बीच में ही आप देख पाओगे रॉयल एनफील्ड का बहुत ही शानदार लोगो मिल जाता है क्रोम के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पर हैलोजन में ब्लिंकर्स देखने को मिलता है जो हैजर्ड फंक्शन के साथ आता है, और यहाँ पर इस हेडलाइट की चारों तरफ आपको क्रोम का बहुत ही शानदार फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ इसका सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक 41mm डायमीटर वाली सस्पेंशन मिलता है, जिसका ट्रैवल है 130mm। यही सेम सस्पेंशन आपको क्लासिक 350 के अंदर में भी यूज़ होता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर। बाकी इसका ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में 300mm डायमीटर के साथ डिस्क मिल जाता है जो डुअल चैनल ABS में आता है, और कैलिपर्स वही पहले जैसे ही बाइब्रे कंपनी की तरफ से आती है डुअल पिस्टन वाली। और दोस्तों, इस अरोरा एडिशन के अंदर आपको स्पोक व्हील देखने को मिलता है, अलॉय इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, और ये पूरा स्टील का स्पोक आता है, और इस स्पोक की वजह से ये टायर भी ट्यूबलेस नहीं है। शायद यहाँ से आपको टायर का सेक्शन नहीं दिख रही होगी, वो उधर जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, फ्रंट में 100x90 19 इंचेस का ट्यूब वाला टायर मिलता है जो सीएट कंपनी की तरफ से आती है, और फ्रंट मड गार्ड स्काई ब्लू एंड क्रीम कलर के अंदर मिल जाता है जो फाइबर बॉडी के साथ आता है। लेकिन दोस्तों, क्लासिक 350 एंड हाईनेस में मड गार्ड पूरा मेटल का मिलता है, और साइड से कुछ इस तरीके का लुक्स मिलता है। दोस्तों, साइड से ये वाला कलर आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इसका सीट हाइट है 765mm, और व्हील बेस है इसका 1400mm, और ग्राउंड क्लियरेंस है 170mm, जो कि बिल्कुल सही है। इसका फ्यूल टैंक देखिए भाई, कितना शानदार कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ हुआ है। यहाँ पर स्काई ब्लू कलर के अंदर देखने को मिलता है पूरा फ्यूल टैंक, जो पूरा ग्लॉसी कलर में देखने को मिलता है, और ये जो लाइन देख रहे हो ये भी ग्लॉसी कलर में मिलता है, डार्क ग्रे कलर में, और नीचे क्रीम कलर, और यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का 3D एम्ब्लेम देखने को मिल जाता है। और भाई, एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर मीटियर का टैंक का ये वाला जो पार्ट बहुत ही खूबसूरत दिखती है साइड से। ये सेम डिज़ाइन सुपर मीटियर 650 के अंदर भी दिख जाएगी। बाकी इसका कंफर्ट लेवल की बात करें तो भाई एक्सीलेंट है। और भाई, ये वाला ब्राउन कलर का सीट्स ये कंपनी से ही मिलने लग जाती है, साथ में व्हाइट कलर का स्टिचिंग भी करा हुआ है सीट के ऊपर, और बैकरेस्ट ये भी आपको कंपनी से ही मिल जाता है, और साथ में यहाँ पर ब्लैक कलर में ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, इसमें आपको 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, और माइलेज सिटी पे 30 से 32 KMPL दे देता है, और हाईवे पे 35 KMPL आराम से निकल देती है। क्रोम में यहाँ पर बहुत ही प्रीमियम सा फ्यूल लीड ओपनर मिलता है, और ये बाइक भी E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। और ऐसा कुछ दिखता है इसका हैंडल बार, बहुत ही कंफर्टेबल अपराइट पोस्चर है इसका। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से ट्रिप मीटर को चेंज एंड रीसेट कर पाओगे। पास स्विच विथ हेडलाइट अपर डिपर, इंडिकेटर एंड हॉर्न का बटन मिलता है। हॉर्न का साउंड बहुत ही बढ़िया है। इस तरफ मिलता है इंजन कील स्विच विथ सेल्फ स्टार्ट बटन, और नीचे हैजार्ड ऑन एंड ऑफ करने का बटन दिया है। भाई, इस बाइक का मीटर कंसोल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करा है, वही सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है राउंड शेप में। यहाँ पर एनालॉग में स्पीडोमीटर, डिस्प्ले के अंदर फ्यूल गेज, टाइम, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, नीचे ट्रिप मीटर, और इस बटन को प्रेस करके ट्रिप मीटर को चेंज एंड साथ ही रिसेट कर पाओगे।
और लास्ट अपडेट की बात करें तो इसमें अब आपको कंपनी से ही ट्रिपा नेविगेशन मिल जाता है, जो पहले आपको अलग से खरीदना पड़ता था। इसके अंदर भी आपको शानदार रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग दिख जाएगी और इस मीटर कंसोल की चारों तरफ क्रोम का शानदार फिनिशिंग मिल जाता है, जिससे ये बहुत ही प्रीमियम दिखती है। बाकी मीटर कंसोल के अंदर यहाँ पर लो फ्यूल वार्निंग, लो बैटरी इंडिकेटर, न्यूट्रल, ABS का सिग्नल और यहाँ पर इंजन मैलफंक्शन सिग्नल, ये सारे सिग्नल्स देखने को मिलता है। बाकी साइड स्टैंड इंडिकेटर का सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन सेंसर दिया है साइड स्टैंड में। स्टिल अभी भी दोस्तों इसके अंदर एक भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। एल्युमिनियम में क्लच लीवर और काफ़ी खूबसूरत क्रोम के अंदर राउंड शेप में मिरर्स मिल जाता है। अगर आप लोगों को क्रोम वाला मिरर नहीं पसंद है तो इसके जगह ब्लैक टूरिंग मिरर भी लगा सकते हो। प्राइस आपकी स्क्रीन पे आ रही है दोस्तों। इस बाइक के अंदर क्रोम में इंजन देखने को मिल जाता है और भाई प्लेटफॉर्म वही सेम है जे सीरीज़ वाला। और ये देखिए इंजन के ऊपर भी जे सीरीज़ का ब्रांडिंग दिख जाएगी। बाकी इसके अंदर आपको वही BS6 फेस 2 वाला 349cc सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जो पावर निकलती है 20.2 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है 4000 RPM पर। और भाई इसका टॉप स्पीड 120 किलोमीटर तक ही सीमित है। यहाँ पर फोल्डिंग राइडर फुटबैग मिल जाता है, रियर ब्रेक लीवर और यहाँ पर मेटल का एक गार्ड मिलता है ताकि बाइक चलाने वक्त आपका पैर ना टच हो जाए एग्जॉस्ट में। और यहाँ पर फुल्ली क्रोम में एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलता है दोस्तों। लगे हाथ इसका साउंड भी आप लोगों को सुना देता हूँ। दोस्तों इसका साउंड में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वही पहले जैसे थंब मिलता है इसमें, सेम क्लासिक की तरह ही साउंड इसके अंदर सुनने को मिलता है। फोल्डिंग में पिलियन फुटबैग मिलता है, जिसका बीच में ही आपको रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग भी दिख जाएगी। और इसका सेंटर पैनल भी स्काई ब्लू कलर में मिलता है और ये पूरा फाइबर का पार्ट है। यहाँ पर मीटियर 350 का स्टिकरिंग भी दिया हुआ है और थोड़ा सा व्हाइट कलर का टचेस। पीछे आपको ट्विन ट्यूब इमल्सन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है, जो 6-step एडजस्टेबल के साथ आती है। साथ ही रियर डिस्क 270mm का मिलता है, जिसमें बाइब्री कंपनी का सिंगल पिस्टन कैलिपर्स यूज हुआ है। और भाई इसका ब्रेकिंग पहले की तरह ही बहुत ही शानदार मिलता है। पीछे वाला टायर का सेक्शन है 140x70 17 इंचेस का ट्यूब टायर, जो क्लासिक 350 से 2 साइज चौड़ी है। और यहाँ पे स्पोक की वजह से ट्यूब टायर मिलता है। और भाई पीछे वाला मडगार्ड आपको मेटल में मिलता है और कलर बॉडी कलर में ही देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ आओगे तो देखोगे यहाँ पर बैकरेस्ट की पीछे रॉयल एनफील्ड का 3D बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको राउंड शेप में LED टेल लाइट मिल जाता है और इसका मडगार्ड काफ़ी बड़ा साइज़ का मिलता है, बुलेट 350 की तरह उतना छोटा नहीं है। यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगी, नीचे रिफ्लेक्टर, ये सब कुछ मिल जाता है। इधर साइड आओगे तो देखोगे यहाँ पर साड़ी गार्ड के साथ लेडीज़ फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है और ओपन चेन कवर मिलता है, जो 400 से 500 किलोमीटर के अंदर वॉश एंड ल्यूब करना पड़ेगा। बाकी आप लोग एक अच्छी चेन ल्यूब एंड चेन वॉश ढूंढ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, अगर उस लिंक से परचेस करते हो तो मेरा चैनल का थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगा। साइड स्टैंड में कट ऑफ सेंसर और साथ ही डबल स्टैंड मिलता है और इसके अंदर 5 फीट का गियर बॉक्स मिलता है। यह चेंज करने के लिए हील एंड टो दोनों ही मिलता है। और दोस्तों इस फुटपेग को भी चेंज करके चौड़ी वाली फुटपेग लगा सकते हो, वो आपको एक्सेसरीज में अलग से लगवाना पड़ेगा। और इधर से कुछ इस तरीके का इंजन कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। और ये देखिए यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न मिलता है और चैसिस वही ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम, जो आपको क्लासिक 350, बुलेट 350 और हंटर 350 के अंदर भी सेम चैसिस मिल जाएगी। इंजन के ऊपर भी जे सीरीज वाला इंजन का ब्रांडिंग भी दिख जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका प्राइस के बारे में। 2023 मीटियर 350 अरोरा एडिशन का एक शोरूम कीमत है 2,19,900 और कोलकाता के अंदर इसका ऑन रोड कीमत है 2,53,898 रुपीस। और बेस मॉडल फायरबॉल का ऑन रोड कीमत है 2,38,373 रुपीस और स्टेलर मॉडल का ऑन रोड कीमत है 2,49,462 रुपीस। अगर आप लोग स्टेलर मॉडल का मैट ब्लैक कलर का रिव्यू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। सबसे लास्ट टॉप मॉडल जो कि है सुपरनोवा, जिसका कोलकाता के अंदर ऑन रोड कीमत है 2,64,987 रुपीस। तो दोस्तों ये था रॉयल एनफील्ड मीटियर 350 का डिटेल ऑन रोड कीमत। अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड या फिर रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।